वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम यानी ओडी ओपी स्कीम। वैसे तो नाम से ही समझ में आता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इस स्कीम को हमारी गवर्नमेंट ने इसलिए लाया है ताकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो वहाँ का मेन है, या स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो उसी डिस्ट्रिक्ट में बनता है, जो उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं आ पाता है, उस डिस्ट्रिक्ट को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक मार्केट करने के लिए इस स्कीम को लेकर आया गया है। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, भारत सरकार, उन्होंने पूरे देश में से 24 डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया है जिसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाएगी। और ये जो स्कीम है, इसे वैसे तो पूरे देश में एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन यूपी सरकार ने सबसे पहले इसे इम्प्लीमेंट किया अपने 75 या डिस्ट्रिक्ट में, यानी अपने 75 डिस्ट्रिक्ट में इसे इम्प्लीमेंट किया है, जहाँ ये स्कीम बहुत ही सक्सेसफुल रही है। अब जो ओडीओपी प्रोडक्ट होते हैं, वो ओडीओपी कैसे बनते हैं? वो जो प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें ओडीओपी की तरफ से मान्यता दी जाती है, उन पर लेबलिंग की जाती है, जिससे हम उन्हें पहचान सकें कि ये ओडीओपी के प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि मार्केट में तो कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं एक ही जैसे, अब उसमें से ओडीओपी कौन सा है ये हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जिस वजह से हम उसे पहचान सकते हैं कि उन्हें ओडीओपी की मान्यता दी जाती है और उन पर लेबलिंग की जाती है कि हाँ, ये ओडीओपी का ही एक प्रोडक्ट है। इस तरह से हम उस प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं कि हाँ, ये इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो केवल उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाते हैं, लेकिन वो उस डिस्ट्रिक्ट में ही रह जाते हैं, इसलिए उन्हें उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर लेकर आने के लिए, उन्हें पहचान देने के लिए ही इस स्कीम को लागू किया गया है। और क्योंकि ये स्कीम जो है वो एग्रीकल्चर फार्मिंग से जुड़ी हुई है, तो फार्मिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं और जो फार्मिंग होती है, उन्हें बढ़ावा देना इसका मेन ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि ओडीओपी स्कीम के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो ओडीओपी जो स्कीम है वो इंडिविजुअल माइक्रो यूनिट्स को बढ़ावा देती है, और इन जो यूनिट्स के प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें भी बढ़ावा देती है, उनकी मार्केटिंग करती है। ये स्कीम नई यूनिट्स को भी बढ़ावा देती है, फिर चाहे वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप में हो। एंड इस स्कीम में जो ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं, जिन प्रोडक्ट्स को ओडीओपी की मान्यता मिल चुकी है, उनकी ब्रांडिंग भी की जाती है। तो इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट के लिए ये स्कीम, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ये स्कीम बहुत ही फायदेमंद है। और नेक्स्ट हम बात करें कि इस स्कीम की स्पेशलिटी क्या है। तो ये जो स्कीम है, इसकी स्पेशलिटी, इसका ऑब्जेक्ट है कि इसका ऑब्जेक्ट ये है कि जो देश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट, मतलब जितने भी जो जिले हैं, वहाँ के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी प्रोडक्ट को नेशनल लेवल के मार्केट में लेकर आना और उस डिस्ट्रिक्ट की जो इकोनॉमी है उसे मजबूत करना है। इस तरह से उस डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट की भी एक पहचान बनती है, और प्रोडक्ट की वजह से उस जिले की भी एक नई पहचान बनती है, और इसी तरह से उनकी इकोनॉमी भी बहुत मजबूत हो जाती है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्कीम है, ये फार्मिंग और फार्मिंग के प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो ये उन्हें भी बढ़ावा देती है। और इस स्कीम का एक उद्देश्य ये भी है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के जो स्थानीय लोग हैं, जो किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उन स्थानीय लोगों की जो स्किल होती है उस प्रोडक्ट को बनाने की, उसे बढ़ावा देना का भी इनका एक ऑब्जेक्ट है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को और अच्छी तरह से बना सके और अपने स्किल को और अच्छे से डेवलप कर सके। और इस स्कीम का सबसे जो बेहतरीन हिस्सा है वो ये है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्रोडक्ट को बना रहा है, अब उस प्रोडक्ट को बनाने में उनकी जो भी कॉस्ट लगती है, उस कॉस्ट पे उससे सब्सिडी भी दी जाती है। जो इंडिविजुअल माइक्रो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उन्हें उनकी परियोजना लागत का 35% यानी 35% कैपिटल सब्सिडी दी जाती है, जिसकी मैक्सिमम सेलिंग 10 लाख रुपए पर यूनिट होगी। बट इसके लिए भी एक छोटी सी कंडीशन है कि जो बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन है वो कम से कम 10% होना चाहिए, और जो आपकी बची हुई राशि है वो बैंक लोन होनी चाहिए, तो आपको ये सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह से ये जो ओडीओपी स्कीम है, ये एक छोटे, या कह सकते हैं छोटी इकाई या जो माइक्रो यूनिट्स होती है, उन्हें और उनके प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें एक नई पहचान देने के लिए और उनकी इकोनॉमी को मजबूत और हाई लेवल पर ले जाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। इस स्कीम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमने शो किए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।